पास आयुष्मान कार्ड है उससे आप अपना इलाज फ्री में कैसे करा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा पूरा तरीके से। हॉस्पिटल में इतना अच्छा मैनेजमेंट है, अगर कोई भी आपको इस हॉस्पिटल के अंदर दिक्कत दिखती है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार दोबारा से आना हो गया हॉस्पिटल के अंदर, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और ऑपरेशन को तो लगभग 4 हफ्ते हो गए थे, है ना मम्मी? 4 हफ्ते हो चुके थे, अचानक से ये है ना पेट इसमें दर्द होने लगा था और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होने लगा था वॉमिटिंग दर्द, तो इस वजह से अभी हमारा ना दोबारा हुआ है। और जैसे हम दोबारा आके मैडम से मिले, उन्होंने कहा कि एडमिट होना पड़ेगा, इस वजह से एडमिट भी हो गए हैं। आज हमको 5 दिन हो गए यहाँ पे, नहीं 4 दिन हो गए। ये देखो अभी खाना, अभी क्या लेके आए भाई साहब, क्या लेके आए हो? लंच आया क्या है? ये क्या है? सूप। हर चीज़ की टाइमिंग है बिल्कुल तरीके से, ब्रेकफास्ट, लंच, सूप। तीसरी बार राउंड है शायद इनका मम्मी, पहले तो सबसे पहले चाय आती है, फिर उसके बाद हल्का ब्रेकफास्ट आता है। उनका नाक का ऑपरेशन है, नाक की हड्डी बढ़ गई थी। उनके साथ में सोहर है, है। सुनो, सुप्रभात। क्या नाम है इनका डॉक्टर साहब का? इनका है कुकर्ती, डॉक्टर एस कुकर्ती। अभी का मैडम, मैडम का जो राउंड होता है, जिस मैडम से मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैडम लुबना खान और गायनोलॉजिस्ट हैं। आज उनका राउंड, आज मतलब उनका राउंड 11 बजे होता है, तो लगभग 11 बज गए, आने वाली होंगी, इनको देखेंगी और फिर इनकी बताएंगी क्या करना है। बाकी अभी तो ये चल रहा है और इस हॉस्पिटल का आज मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको दिखाऊँगा, इसके बारे में जानकारी दूँगा। प्लस आप यहाँ पर किस जो होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ जो इंश्योरेंस होते हैं उनसे किस तरह से एडमिट करा सकते हो, आयुष्मान कार्ड से, यूपी गवर्नमेंट से, रेलवे कार्ड से, और जितने भी प्राइवेट आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उनसे आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हो। वो मैं आपको अभी नीचे इसका राउंड दूंगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से अंदर से किस किस तरीके से। देखो ये इस हॉस्पिटल की ड्रेस है और देखो ये लिख रहा उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल, जिसका नाम लिस्ट में है उनको जरूर बनवा ले। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आपका ट्रीटमेंट ये आयुष्मान कार्ड से चल रहा है ना जी? तो कैसा लग रहा है? अच्छा, सही लग अच्छा रहा है। क्या फ्री में इलाज चल गया, खाना पीना सब टाइम पा रहा, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात बता रही हैं इस समय पूनम देवी जी, जो कि जुड़ी हुई हैं स्वास्थ्य विभाग से, और इनकी टीम भी काम करती है, इनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और ये सबको प्रोत्साहित करती हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवाएं। जो खाना दे के गए थे अब प्लेट वगैरह लेने के लिए आए हैं। ये जो आंटी है बड़ी सही आंटी है, ये देख रहे हो आप, पिक्चर दिखा रहे हो? हाँ, अब तो मेरा मन का काम करती है, मेरा तबीयत खुश है, खाती पीती रहती कुछ ना कुछ। हाँ वो तो पिक्चर दिखा रहा था इन्हें, पिक्चर दिखाओ तो मन बदलेगा। तो ये था भी यहाँ का जनरल वार्ड, और ये इस तरह के जनरल वार्ड से बाहर कमरे बने हुए हैं, लेकिन ये भी जनरल वार्ड में ही आते हैं। ये 2-4 कमरे हैं इस तरह के। स्वर्ग में चाहिए स्थान, कीजिए अंगदान। चलो अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ नीचे। रोक के सर, रोक के। कहाँ? ऊपर ऊपर जाना है क्या आपको? नीचे जाना है। चलो मेरे को 1 पे जाना है। ये है OPD 1 की वेटिंग एरिया और वो है उधर आयुष्मान कार्यालय। ये देखो जी खूबसूरत बिल्डिंग इस हॉस्पिटल की।
बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बनी हुई है और यहाँ पर आपको हर तरह के जो सर्जन हैं डॉक्टर आपको मिलेंगे आसानी से। उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल 24/7। और भाई लोगों, अगर लिस्ट में आपका नाम है और आपने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो उसको ज़रूर जाकर बनवा लो, उसकी KYC करवा लो, गोल्डन कार्ड बनवा लो ज़रूर, क्योंकि फ्यूचर में आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो जाए और आपके बहुत ज़्यादा काम वो आने वाला है। तो मैं आपको बताऊँ जो चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, अगर आप यूट्रस में अगर गांठ है उसका अगर ऑपरेशन कराने के लिए मैं यहाँ पर आया था, अगर आपको उसका इलाज कराना है, उसका मतलब ऑपरेशन ही कराना है, तो लगभग आपको 6 महीने पुरानी हिस्ट्री चाहिए होगी। जैसे 6 महीने से पुराने से ओल्ड हिस्ट्री से मतलब कि 6 महीने पुराना आपको उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड होता है वो, और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर यानी कि जो उसकी आपकी दवाई चली होगी 6 महीने पुराने, वो 6 महीने पुरानी हिस्ट्री आपको उसकी चाहिए होगी, ठीक है। और इसका जो इलाज का मैटर है आयुष्मान कार्ड से वो अलग अलग लेवल से होता है, मतलब हर चीज़ का अलग सिस्टम होता है। यूट्रस में बच्चेदानी में गांठ है, उसको ऑपरेशन कराना है तो उसकी ये मतलब ये प्रक्रिया रहेगी, ये प्रोसेस रहेगा। और अगर आपको जैसे आप इमरजेंसी में आए हो तो ठीक है, इमरजेंसी का अलग प्रोसेस होता है। जैसे आप इमरजेंसी में आए और आपके पास कार्ड है तो आप एडमिट हो जाएंगे और आपका आयुष्मान कार्ड लग जाएगा हैंड टू हैंड में। और अगर आप जनरली आए हैं नॉर्मली किसी चीज़ का ऑपरेशन कराने के लिए तो 6 महीने पुरानी तो हिस्ट्री आपको चाहिए होगी और उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल मतलब जैसे आप हॉस्पिटल में आओगे तो जो हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान विभाग है वो आपका थंब लेगा, आपका आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड लेगा और फिर आपका गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा कि इस बंदे को ये बीमारी है और इसका इतने का पैकेज हमें लेना है, हॉस्पिटल वाले लेंगे वो, तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। तो आपको अगर इस चीज़ का ऑपरेशन कराना है तो कम से कम 6 महीने पुरानी हिस्ट्री आपको चाहिए होगी। और अभी इसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी बैक टू बैक 2 बार एडमिट हुई है। पहले हुई थी अपने ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन तो ठीक हो गया उनका, बढ़िया हो गया, 3-4 हफ्ते हो गए थे, बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी पेट में, तो उसके बाद भी लगभग 3-4 हफ्ते बाद फिर दोबारा एडमिट हो गई थी और आयुष्मान कार्ड से हुई थी। कितनी अच्छी बात है, मतलब पहले भी आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट हुआ था और उसके बाद भी अब आयुष्मान कार्ड से ही चल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवा लें और उसका फ़ायदा लें। दोस्तों, इस हॉस्पिटल का नाम है उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद और इसकी अलग अलग जगह पर ब्रांच भी हैं, यूपी में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हैं। तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत ही अच्छी अच्छी इसकी ब्रांचें हैं। कुछ बाहर के नज़ारे, एम्बुलेंस देखो किस तरह से खड़ी रहती है यहाँ पर लाइन से, ये तो बाहर की है, अंदर हॉस्पिटल की भी खड़ी रहती हैं। और ये हमारे भाई साहब यहाँ छोले और दाल बेचते हैं, खिलवा दो कुछ उस्ताद फिर। ये देखो इनके खाने का सिस्टम, मुरादाबादी दाल छोले, छोले चावल खिलवाओ। ये है हॉस्पिटल देखो, सामने है बिल्कुल इमरजेंसी और ये है जनरल। आप इधर से मतलब OPD वगैरह में जाओगे, अगर कोई ट्रामा कोई एक्सीडेंट वगैरह सिस्टम आता है तो वहाँ से तुरंत अंदर इमरजेंसी 2 मिनट के अंदर इलाज दिया जाएगा, ट्रीटमेंट। ये है न्यू मुरादाबाद, बस कहानी ऐसी रहा भैया हॉस्पिटल में आके, तो यार 4-5 दिन हो गए तो ये मन कर रहा है बस घर निकल ले यहाँ से। पता नहीं हॉस्पिटल के किस किस कोने में मुझे लेट के अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। ये देखो ये जीना, और मैं लेट रहा हूँ यहाँ पर साइड में भाई का। और ये देखो यहाँ से ये खुला हुआ है ये वाला, बाकी तो ऊपर शीशा है, ये खुला हुआ है तो मैं यहाँ से हवा आ रही है थोड़ी सी ऐसी। बाकी मैडम अभी देख के गई हैं उनको और कह रही हैं कि फ़िलहाल ठीक है, बाकी रिपोर्ट करानी है उनकी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और जो भी इनकी ब्लड की रिपोर्ट होनी थी वो करानी है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगी वो कि छुट्टी करनी है या अभी और रोकना है। तो ये मैं आ गया हूँ basement 1 में, B1, और यहाँ पे ब्लड लैब, ब्लड बैंक और जी आपका जितना भी एक्सरे, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वो सब आपको यहीं पर मिलेगा। दिखाता हूँ अभी, रेडियोलॉजी।